तो अब मैं आपसे अपना चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। ध्यान से आप इसको एंड तक जरूर देखें और अगर आपको यूजफुल लगे तो जरूर अपने इकोसिस्टम में शेयर करें। देखिए, आप जब पढ़ते हैं, राइट, जब आपने एजुकेशन ली, उस दौरान आप एक चीज़ सीखते हैं कि किस तरह से चीज़ें पढ़ी जाएँ और उनको एग्जाम में लिखा जाए, अच्छे मार्क्स लाए जाएँ, और उसके बेसिस पे आपको सोसाइटी, आपके पेरेंट्स जो हैं जज करते हैं, राइट। एवरीबडी जजेस यू बेस्ड ऑन योर मार्क्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट। जबकि रियल लाइफ में क्या ऐसा होता है? रियल लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता। आपके मार्क्स कितने भी आए हों, है ना, मेरे साथ के बहुत सारे टॉपर्स हैं, मेरे से भी, मतलब मैं भी फोर्थ फिफ्थ तक आती थी मेरी पोजिशन क्लास में, तो जो टॉपर्स हुआ करते थे ना, जो मान लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते थे, है ना, कभी कभी मैं भी आया हूँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बट जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते थे, मोस्टली क्या होता था कि हम ऐसे सोचते थे उस टाइम कि यार ये बहुत होशियार है, ये तो बहुत आगे जाएगा लाइफ में क्योंकि इसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, रियलिटी आते लोग तो ऐसे हैं, मतलब उनमें से घर बैठे हैं, है ना। मैं सब सेक्शंस की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल सेक्शंस की बात कर रहा हूँ। सेक्शंस अलग अलग होते हैं, जैसे ए बी सी डी ऐसे करके सेक्शन होते थे, 10A 10B 10C ऐसे करके क्लासेज होती थी। तो कुछ अपने फादर का बिजनेस कर रहे हैं, है ना, तो कोई ऐसा की नहीं कि वो उन्होंने बहुत कुछ कर लिया अचीव, मार्क्स अच्छे आए तो, है ना। बट ऐसा भी नहीं है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन एवरी डोमेन। ऐसा भी है जो होशियार थे वो बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। बट मैं आपको सिर्फ ये इसलिए दे रहा था एग्जांपल कि मार्क्स के बेसिस पे जजमेंट नहीं करना चाहिए, जबकि जो असली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है लोगों को जानना। नोइंग पीपल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अगर मान लीजिए मैं आज की डेट में एक अपना स्कूल ओपन करता हूँ, ठीक है, तो मैं उसमें हमेशा क्या करूँगा, एक तो किस तरह से बात की जाती है आपस में, है ना, किस तरह से अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को लॉन्च किया जाता है, तो मैं हर बच्चे को ना कुछ कहूँगा कि ये तेरा बिजनेस है, तुझे शुरू करना है, ठीक है। उसके बाद उसमें उसको चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम वो फेस करेगा, और बेचने में भी फेस करेगा, नेगोशिएशन में फेस करेगा, कम्युनिकेशन में फेस करेगा, तो वो जो प्रॉब्लम फेस करेगा उसको आदत पड़ जाएगी, हैबिट पड़ जाएगी, राइट। और फिर वो जब हैबिट पड़ जाएगी उसको, तो उस हैबिट से क्या होगा कि वो उसको सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, और जब वो सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली वो उस चीज़ को सीख जाएगा और वो उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर करके सीखेगा, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज लेके। अब जैसे आपने देखा होगा कि आपके जैसे मार्क्स जब आते होंगे, तो इंग्लिश में मान लो आपके 100 में से 80 नंबर आ गए या 90 आ गए, और मैथ में मान लो 40 ही रह गए, मैथ्स में आपके पास 100 में से 40 हैं, तो लोग आपको जज करेंगे कि आप ना होशियार नहीं हो, क्योंकि मैथ में तो जिसके अच्छे नंबर होते हैं वही होशियार होता है, इंग्लिश वाला तो क्या, मतलब राइटर बनेगा, ऑथर बनेगा, क्या बनेगा, है ना। तो अब इस केस में क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है इस केस में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जज कर लेते हैं कि अगर कोई इंग्लिश में अच्छा है, मार्क्स उसके इंग्लिश में अच्छे हैं, राइट, तो वो कुछ कर ही नहीं सकता है, है ना, क्योंकि उसको मैथ नहीं आती, जबकि गलत है। इंग्लिश अगर किसी की अच्छी है तो वो एक अच्छा कंटेंट राइटर बन सकता है, राइट, वो एक अच्छा बुक राइटर बन सकता है, है ना, वो एक अच्छा मीडिया पर्सन बन सकता है ना, अखबार में लिख सकता है, कॉलम्स लिख सकता है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकता है, क्रिएटिव चीज़ें भी कर सकता है। तो इंपॉर्टेंस हर चीज़ की है, ठीक है। अब नोइंग पीपल वो कैसे पता लगता है? जब आप किसी के साथ डील करते हो तो पता लगता है, ठीक है। तो अभी इसमें ना मैंने वीडियो में दो चीज़ कवर करी है इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ कि हर बंदा हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। नोइंग पीपल इज समथिंग विच इज अ मस्ट स्किल फॉर एवरीवन। अगर आपके पास ये स्किल नहीं है, आप लोगों को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, तो दुनिया बहुत जाली में भाई, ठीक है। यू हैव टू डील विद एन नंबर ऑफ क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा हर आदमी बुरा है, बट इफ यू आर समवन हु इज वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, स्टिल यू हैव टू लर्न दैट हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर्स, बिकॉज अगर आप चीज़ें अपने अंदर दबा के रखेंगे तो आपको जानने में ना बहुत ज़्यादा समय लगता है, जबकि आप थोड़ा सा भी शेयर करेंगे, थोड़ा कम्युनिकेट करेंगे, डेफिनेटली ओवर कम्युनिकेट करना या ओवर एक्सप्रेसिव होना इज रॉन्ग, बट यू हैव टू बी एमिएबल, यू हैव टू बी सॉफ्ट स्पोकन, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, है ना, एंड वेन एवर रिक्वायर्ड। सॉफ्ट स्पोकन रहना भी हमेशा ज़रूरी नहीं है, तो बंदे के हिसाब से आप डील करें। तो नोइंग पीपल से क्या होगा, आप कल को जब अपना बिजनेस खड़ा करेंगे, आप जब लोगों को जानते होंगे कि लोगों के साथ कैसे डील करना है, तो आपके साथ बहुत आसान हो जाएगा। आपकी सब चीज़ें वो कैसे हो जाएंगी, आप अपने को फाउंडर्स, अपने स्टाफ मेंबर्स, अपने कस्टमर्स, अपने वेंडर्स, ठीक है, या आप मान लीजिए कोई लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं तो किसी ऑफिसर से आपको डील करना है, तो हर एक स्टेक होल्डर्स को कैसे आपको डील करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे उनके से काम निकलवाना है, कैसे उनके लिए काम करना है, कैसे उनसे पेमेंट कलेक्ट करनी है, कैसे उनको नोटिस भेजना है अगर उन्होंने पेमेंट नहीं दिया, तो ये सब चीज़ें आपको कैसे आएंगी, ये पीपल मैनेजमेंट से आएंगी, ये पीपल डीलिंग से आएंगी। तो पीपल डीलिंग एक ऐसी चीज़ है जो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ है, जितना जल्दी आप करना शुरू कर देंगे ना, उतना जल्दी आप तरक्की कर लेंगे। अब मेरे केस में अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरे फादर का बिजनेस है, अभी भी एक बिजनेस कर रहे हैं, वो बिजनेस में मैं काफ़ी अर्ली एज से इन्वॉल्व था, तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि आई यूज़ टू गो टू
हाउस टू कलेक्ट सम मनी फॉर दैट। एंड उससे बेनिफिट क्या हुआ कि जब मैं वो जा रहा था वहाँ पे, जाता था लोगों से मिलता था, तो तरह तरह के लोग होते थे, उनकी तरह तरह के बहाने होते थे पेमेंट देते हुए। तो मैं उनसे डील करता था, कोशिश करता था कि मैं उनसे पेमेंट निकलवाऊँ जिससे मुझे बार बार उनके पास ना जाना पड़े, मेरा टाइम खराब ना हो, क्योंकि मुझे स्टडीज़ भी करनी होती थी। बट मेन चीज़ जो है, फोकस जो पॉइंट आपको करना है वो ये करना है कि पब्लिक डीलिंग, लोगों की डीलिंग अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अभी आखिरी में आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर अभी तक बने हुए हैं। तो मैं आपको ये बताने वाला था कि जो सेल्स है, सेल्स क्या है, सेल्स सेल्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हर एक आदमी बचता है ना, क्योंकि हमने ना अपना माइंडसेट ऐसे बनाया कि सेल्स तो ऐसी चीज़ है कि वो डोर टू डोर जाके ही हो सकती है। सेल हर चीज़ में होती है, वेंडर से सोर्स करते हैं ना कुछ उसको भी बेच रहे होते हैं आप, ठीक है, क्या बेच रहे होते हैं, उसको सपने बेच रहे होते हैं, भाई मुझे इतने का देगा तो मैं तेरे को इतने की सेल लाके दूंगा या मैं तेरे को इतने का ऑर्डर दूंगा, वो सेल ही है, वो भी सेल बोलते हैं उसको भी। कस्टमर को भी आप जो दे रहे हो सेल ही है, एम्प्लॉय भी जो आपके आ रहा है आप अपने आप को बेच रहे हो कि तू मेरे आएगा तो ये सब सीखेगा, ठीक है। कोई भी स्टेक होल्डर है इकोसिस्टम में, सबको आप कुछ ना कुछ बेच रहे हो। तो इस चीज़ पे आप क्लियर हो जाओ कि आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा बचते हो ना वो तो आपको करनी ही पड़ती है। आप एम्प्लॉय हो, कहीं जॉब कर रहे हो, तो आप एम्प्लॉयर को अपना काम बेच रहे हो, अपना समय बेच रहे हो, सिंपल। तो सेल्स इज इनहेरेंट पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी दैट वी डू एज अ पर्सन, एंड डीलिंग विद पीपल इज समथिंग विच वी शुड नो हाउ टू डू। एंड अगर अवेयरनेस अच्छी होगी, अगर आप ये चीज़ समझ गए होंगे पिछले 3 वीडियो से कि जो मैं शेयर कर रहा हूँ ना ये एक यूनिक तरह की इंटरनल चीज़ है जो मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। टेक्निकल टॉपिक्स तो मैं शेयर करता ही रहता हूँ पहले भी, आगे भी मैं आपसे करता रहूँगा, बट ये जो है ना ये सीरीज का पर्पज़ कुछ और है ना, इसका पर्पज़ बहुत बड़ा है। इसका पर्पज़ ये है कि आप ये माइंडसेट पहले बनाएं कि आपको धंधा करना कैसे है। जब माइंडसेट बन गया, जब आप फर्म हो गए कि हाँ इस तरह से मुझे बिजनेस करना है, तभी आप उसको करें। और आप क्यों नहीं कर पा रहे ये भी आप कहीं ना कहीं इसमें इवेल्युएट कर पा रहे होंगे कि कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो इनहेरेंटली हम लोग बने हुए हैं ना, हमारे बेसिक एजुकेशन से लेके एडवांस एजुकेशन सिस्टम तक हम बने ही ऐसे गए हैं, है ना। हमने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, हम अपने आप को रोक के रख रहे हैं, हम अपने आप को आगे बढ़ने खुद ही नहीं दे रहे हैं, हम ही कारण है अपने आप को रोकने का। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि कोसना शुरू कर दो अपने आप को, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंडसेट में आपको चेंज लाना जरूरी है। आपको ये सोचना जरूरी है कि आपकी छोटे छोटे एक्शन से किसी की लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है ना। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि लीगल सुविधा में या और भी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं ना, तो लीगल सुविधा में जैसे कोई क्लाइंट अगर हमारे पास आया, अब उसे अगर कोई कंसल्टेंट कोई चीज़ नहीं बता रहा, मान लो उसको ये नहीं बता रहा कि उसके कहाँ तक फाइलिंग पेंडिंग है कहाँ तक नहीं है, वो हमारे पास आ रहा है तो हम उसको कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, तब भी उसको बता रहे हैं चेक करके। क्यों बता रहे हैं? उसका पर्पज़ दो है। पहला पर्पज़ ये है कि एक तो वो क्लियर हो जाए कि हाँ उसको क्या पेंडेंसी है, कंप्लायंसेस की क्या क्या चीज़ें करनी है, और दूसरा पर्पज़ ये है कि यार मतलब बंदे का टाइम ना खराब हो। सिंपल सी बात है, उसका टाइम खराब होगा, ठीक है, तो एक स्टार्टअप का टाइम खराब होना हम समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है टाइम, तो ये पर्सपेक्टिव रहता है हमारा। तो शायद इस वजह से हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना किए हों, बट हाँ हमने बंदे ज़रूर गंवाए हैं, पैसा चाहे उतना नहीं कमाया, ठीक है ना, और पैसा लॉन्ग टर्म में हम कमा लेंगे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रॉम टीम लीगल सुविधा एंड बैंक वडेरा।